Hello guys, welcome back. Another Friday and another exciting expert talk coming up. So for those of you who are new here, मैं हूँ गजाला जैदी और मैं बनाती हूँ daily videos so that I can help you to grow and be better every day. तो आज हम बात कर रहे हैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट ज्योति लक्ष्मी त्रिपाठी से. शी हैज़ बीन ऑन दिस चैनल बिफोर एंड पीपल रियली लाइक्ड व्हाट शी हैड टू से. और आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही रेलेवेंट है इन टुडेज़ टाइम्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी, हाउ टू ओवरकम इट, हाउ टू कम आउट ऑफ वरीज जो हमें रोज़ रोज़ सताती रहती हैं. फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं. तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए. एनीवे, सो वेलकम बैक ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन. हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाय गजाला, वेरी गुड इवनिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन योर शो. आई मस्ट से दैट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डियर. Thank you. Yes, I'm good today. How are you? Thank you so much, Jyoti. I'm doing good. And it's so great to have you here again. सो ज्योति, आजकल हम एक, जैसा मैं इंट्रोडक्शन में भी बता रही थी कि हम एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड से टाइम से गुजर रहे हैं. लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. पीपल आर जस्ट सो वरिड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू फील, व्हाट आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग? आपके पास किस टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं आजकल? यस, कोविड इज क्वाइट चैलेंजिंग टू पीपल बिकॉज दैट वाज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब उन्हें लोगों से ही मिलने की मनाही होगी. बिकॉज वी पीपल आर प्रोन टूवर्ड सोशलाइजेशन, वी हैव बीन वायर्ड लाइक दैट. हम ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है जिनकी टेंडेंसी है लोगों में मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना. तो जब हमारे को एक रोक थोक हो गई है कि आपको लोगों से नहीं मिलना है, दैट यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, दैट थिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट थिंग. हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको लोगों से अच्छे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहिए. तो अचानक से एक ऐसी चीज आई जिसमें कि आपको अचानक से लोगों से मिलने में मनाही हो गई, आपको अपने काम पे जाने में इशू होने लगे हैं, ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर स्टेइंग एट देयर होम, सो दैट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन देयर माइंड. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स देर आर वेराइटी ऑफ इशूज दैट पीपल आर सफरिंग. फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडजस्टमेंटल इशूज. लोग अब ज़्यादा टाइम घर पे रह रहे हैं तो जो घर के लोग हैं उनके साथ उनके इशूज, उनके टसल्स ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों के साथ, स्पाउसेस के साथ, इन लॉज के साथ. सो दीज आर द कॉमन इशूज विच पीपल आर फेसिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम. Oh yes, it is so true. I mean, it is so overwhelming to sink this feeling कि अभी हमारे ऊपर इतने सारे restrictions हैं, हम normally चीज़ें जैसे पहले कर रहे थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों से मिलने पे, because that was kind of a coping mechanism that people used, कि अभी भाई stress में हैं तो चलो पड़ोसी के घर चले गए, किसी friend के घर चले गए, hang out कर लिया, mall चले गए, movie देख ली, and we're just not able to do all of those things right now. तो आई थिंक ये लोगों का एक कोपिंग मैकेनिज्म ख़त्म हो गया है, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों में क्रिएट हो रही है जिसके बारे में आपने बात की. तो ज्योति, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अब, क्योंकि हम बाहर तो नहीं जा सकते, हैंग आउट तो नहीं कर सकते, तो एग्जैक्टली क्या हम कर सकते हैं जिससे ये एंग्जाइटी को हम ओवरकम कर सकें? Anxiety is a very common issue that happened to people during COVID times because of financial crisis. Anxiety is a state in which people are suffering from a agitated state. लोगों को एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट सी रहती है, एक चिंता, एक डर रहता है जिसका कोई बहुत ही स्पेसिफिक रीजन या ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो कोविड के टाइम में लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं. बिकॉज बिजनेस क्लास हो, चाहे सैलरी क्लास हो, चाहे डेली वेजेस वाले लोग हो, इन सब को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड पीपल आर वरीड बिकॉज ऑफ दैट. सो टू ओवरकम एंग्जाइटी, व्हाट पीपल कैन डू,
फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू मेक अ रूटीन ऑफ देयर लाइफ. आप जैसे अपने लाइफ में पहले एक रूटीन में रहते थे, कोविड के टाइम में भी आपको अपने लाइफ में एक रूटीन पैदा करना है. क्योंकि जब आप एक रूटीन लाइफ रहते हैं, जी रहे होते हैं, तो आपका एक मैकेनिज्म बन जाता है. हमारी बॉडी एक मैकेनिकल फील्ड है जिसको कि हम वायर करके रखते हैं एक प्रॉपर लाइफस्टाइल की तरफ. तो अगर उस लाइफस्टाइल में कोई डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और इसके वजह से हमें एंजाइटी इश्यूज होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट नीड इज टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल, अ फिक्स्ड पैटर्न, जिससे कि आप अपने लाइफ को स्मूथली डील कर पाए. दूसरा, टू डील विद एंजाइटी यू नीड टू ब्रिंग सर्टेन गुड हैबिट्स इन यू. आप अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस लाएं. से फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्टिविटीज, यू कैन गो फॉर योगा और किसी भी तरह की एक्सरसाइज, वॉक या जो भी चीज़ आप एक रेगुलर हेल्थ को अपने मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए. एंग्जाइटी को डील करने के लिए यू नीड टू हैव पॉजिटिव टेंडेंसी टूवर्ड्स योर लाइफ. तो जो भी इश्यूज आपके लाइफ पे हुए हैं उन्हें आप असाइड करके आपके लाइफ में क्या बचा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस मैन, आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, बट यू शुड बी थैंकफुल कि आपकी फैमिली बची है, आप बचे. बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास बहुत पैसा रहने के बाद भी वो लोगों को बचा नहीं पाए. सो यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स विच आर लेफ्ट इन योर लाइफ. सो जो ग्रैटिट्यूड, जो शायद मैंने डिप्रेशन के भी उसमें शो में बताया था, आप गजाला के प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने डिप्रेशन में बताया था कि आपको एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए. जो भी आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं आपको उन्हें जॉट डाउन करके रखना चाहिए. वो एक आपको फील गुड फैक्टर देंगे जिसके वजह से आपके एंग्जाइटी लेवल को कम कर पाएंगे आप. ओह फैबुलस. आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर हम लाइक प्रैक्टिकली करने लग जाएं सच में ये सारी चीज़ें, या थोड़ी थोड़ी भी एटलीस्ट स्टार्ट करें, तो काफ़ी डिफरेंस हमें फील होगा अपने लाइफ में. बिकॉज एज यू टॉक्ड अबाउट दिस ग्रैटिट्यूड थिंग, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है टू राइट दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल, एंड बिलीव मी इट लाइक प्रैक्टिकली इज हेल्पिंग मी अ लॉट. यू टॉक्ड अबाउट पॉजिटिविटी, और लास्ट वीडियो में भी आपने बात की थी पॉजिटिव आउटलुक की, और जनरली भी हम सुनते रहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. तो ज्योति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पॉजिटिविटी एग्जैक्टली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीज़ है, थोड़ा सा आप हमें बताइए इसके बारे में. पॉजिटिविटी इज ए स्टेट, ये एक अवस्था है जिसको कि हम अपने माइंड में बिठा के रख सकते हैं. लोगों को जिंदगी को जीने का एक अलग अलग नज़रिया होता है, तो उस नज़रिए को हम कैसे बदल सकते हैं. मैंने गजाला आपके पहले डिप्रेशन की वीडियो में भी आपसे बात करी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब भी हम अपने थॉट्स को अपने माइंड में लेके आते हैं तो उसकी एक इमेज जाती है यूनिवर्स में जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे लाइफ में आती है. यू कैन राइट डाउन दीज स्टेटमेंट्स, बिकॉज जो भी हम हमारे माइंड में चल रहा होता है चीज़ें, अगर हम उसे पेपर पे प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. जो भी थॉट्स उसको आप पेपर पे लिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू सी दैट. और हमारा जो माइंड है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो विजन के लिए ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं. तो जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है. सो इफ विल बी एबल टू सी दैट वॉट वी वॉन्ट इन आर लाइफ, विल बी एबल टू गेट दैट, एंड बाय दैट वे वी कैन हैव अ पॉजिटिव आउटलुक. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर पॉजिटिविटी यू नीड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद पीपल. यू कैन डेवलप योर हॉबीज. आप अपने कोविड के टाइम में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप शायद बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाए. मे बी यू कैन स्ट्रेंथन सम ऑफ योर हॉबीज. आप अपने किसी हॉबी को, आप अपने किसी फैमिली से आप बात नहीं कर पाते थे, इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, आपके रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, यू नीड टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी. सो जो भी आपकी सिचुएशन है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. यू शुड नॉट इन अ डिनायल मोड. तो जब आप एक्सेप्टेंस में रहेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद निकाल पाएंगे, एंड बाय दैट वे यू विल बी एबल टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक. ओह यस, एग्जैक्टली. आई मीन जैसा भी हम सोचते हैं डेफिनेटली वैसी ही चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट टूल हमारा जो माइंड होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, और थॉट्स तो हमारे हाथ में ही है ना. तो लेट अस क्रिएट गुड थॉट्स पीपल, एंड
एक और चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आजकल इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग आप ज़रूर करिए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करिए, लेकिन प्लीज़ दिलों से डिस्टेंस मत क्रिएट करिए, बिकॉज द वर्ल्ड राइट नाउ नीड्स अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ काइंडनेस, लॉट ऑफ कंपैशन. प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वॉज अ ग्रेट सेशन, थैंक्स अ लॉट. So thank you very much, Ghazala. That was a great talking to you. And I love your shows and I regularly watch your YouTube videos. So I request everyone, whosoever is watching these videos, please like and subscribe Ghazala's videos. She is really, really good in doing that. Thank you so much, dear. Oh, thank you so much, Jyoti. That's so sweet of you. I mean, itne busy schedule mein. Let me tell you guys, Jyoti has this super super adorable and cute 7-8 month old daughter, and वो बहुत ज़्यादा busy है. Still she takes out time to do this for educating people, and it is purely pro bono. I am not giving her anything for doing what she is doing for her time, and बहुत ही बड़ी बात है ये कि वो अपने इतने busy schedule से time निकाल करके ये videos में participate करती है. And thank you so much, Jyoti. You are so wonderful. और हाँ, आप लोग, आपसे अब ज्योति ने भी कह दिया ना, और मैं तो कब से कह रही हूँ, तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, अच्छी लगी है वीडियो तो. और हाँ, जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, या और भी कुछ आपके कुछ सवाल हो, कुछ भी क्वेरीज हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सी यू गाइस टुमारो. टूडल्स.